नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सिंह और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। पिछले एक दशक में कई फिल्में ऐसी रिलीज हुई हैं जो या तो पुरानी फिल्मों की रीमेक रहती हैं या फिर सीक्वल रहती हैं या सिलसिला अब शुरू हो चुका है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उन सीक्वल फिल्मों की। क्रिस 4 यह फिल्म अगले साल रिलीज हो सकती है। खबरों के अनुसार इस बार ऋतिक रोशन के साथ कैटरीना कैफ इस फिल्म में आने वाली हैं और यह क्रिस की सीक्वल की चौथी बड़ी फिल्म है। सड़क 2 महेश भट्ट के निर्देशन में बनी संजय दत्त और पूजा भट्ट की फिल्म सड़क दर्शकों को खूब पसंद आई थी। अब महेश भट्ट सड़क 2 लाने वाले हैं। अगर हम स्टार कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में संजय दत्त, पूजा भट्ट, आदित्य रॉय कपूर के अलावा आलिया भट्ट भी हैं। यह फिल्म इस साल नवंबर में रिलीज हो सकती है। यह फिल्म बागी सीरीज की तीसरी फिल्म है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ इस बार रितेश देशमुख नजर आने वाले हैं। यह फिल्म अगले साल मार्च में रिलीज हो सकती है। दबंग 3 सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म दबंग की सीरीज दबंग 3 जल्द ही आने वाली है। इस फिल्म में प्रमोद खन्ना सलमान खान के सौतेले पिता के किरदार में दिखाई देंगे। खबरों के अनुसार दबंग 2 में विनोद खन्ना ने सलमान खान के सौतेले पिता का किरदार निभाया था, लेकिन उनकी डेथ की वजह से इस बार विनोद खन्ना के छोटे भाई प्रमोद खन्ना सलमान खान के सौतेले पिता का किरदार निभाएंगे दबंग 3 में। हम आपको बता दें, प्रमोद खन्ना का फिल्मी करियर इतना एक्टिव नहीं रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।